भी जाना तो पड़ेगा ना, कभी तो जाएंगे ना, ऐसा थोड़े नहीं क्यों तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे तुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं करने वाली हूँ समीर पे फिर से प्रैंक। जी हाँ, मतलब प्रैंक नहीं, मतलब थोड़ा छोटा सा एक मजाक यार, इतना तो कर ही सकती हूँ। मतलब मैं बोलूँगी कि मैं कल या परसों मैं झांसी जा रही हूँ, और अभी समीर के आने का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं, और अभी मैं मतलब आने वाले होंगे। तो मैं बोलूँगी सोनू से, मैंने अपने भाई से बोल दिया है फ़ोन करके कि तुम जैसा, मैंने बोला उससे कि तुम ऐसा ऐसा बोलना कि हाँ मैं परसों लेने आ रहा हूँ, तो मैं ऐसा ऐसा करके, तो यही मैंने बोला है सोनू से। जब भी समीर सोनू को फ़ोन लगाएंगे कि तुम सच में आ रहे हो क्या लेने, तो सोनू हाँ बोल देगा, मतलब मेरा भाई है वो, तो वो कह देगा हाँ मैं लेने आ रहा हूँ। और समीर का मुझे रिएक्शन देखना है, क्योंकि एकदम से ऐसे बिना बताए, मतलब कल का या परसों का बोलूँगी, परसों का ही बोलूँगी, और क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है 15 अगस्त को, मेरा बर्थडे है। तो हर बार मैं अपना बर्थडे झांसी में ही मनाती हूँ, मैंने यहाँ अभी तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। एक बार किया था, हाँ एक बार किया था शादी के बाद, दो साल से मैं अपना बर्थडे झांसी में ही मना रही हूँ। और अभी बेबी उठ गया है, तो मैं सूटकेस निकाल के यहाँ रख दूँगी, और फिर समीर आएंगे तो मैं उनके सामने जो भी नाटक करूँगी वो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पिछले बार मैंने कैमरा वहाँ रखा था, तो समीर को अब तो मतलब विश्वास नहीं होगा, इसलिए वहाँ देख लेंगे, क्योंकि इस बार तो वो इसलिए। और अभी मैं ऑफ कैमरे ही उनसे बोलूँगी जाने का, उसके बाद मैं सूट के सभी रख दूँ जल्दी से लाके, और मैं बोलूँगी कल मैं झांसी जा रही हूँ। और गाइस, अभी 2 मिनट भी उठ गया। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग। ये ना गाइस सो रहा था, सो के उठाया अभी। क्या हुआ, क्या हो गया डुगू? हाँ क्या हो गई, क्या हो गया हमदू? तो गाइस अभी मैं 2 मिनट इसको मैं फीडिंग करा दूँ, मतलब दूध पिला दूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैं ये जो वीडियो है वो क्वालिटी आपको लग रही होगी, ये मैं अपनी फ्रेंड के फ़ोन से बना रही हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, और अभी मैं समीर को फ़ोन करूँगी सबसे पहले, और उनसे बोलूँगी कि मैं ये देखो लगा रही हूँ मैं फ़ोन। चुप रहना, चुप रहना। तो गाइस ये, तो गाइस मैं फ़ोन लगा रही हूँ समीर को। अरे उठाओ यार, चुप रहे। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो? रास्ते में हूँ अभी, बाइक से निकला था। हाँ जल्दी आ जाओ, वो कल हम झांसी जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा बर्थडे आ रहा ना 15 अगस्त को। हाँ कल सोनू आ रहा, हमारी बात हो गई। अरे कोई बात नहीं हुई क्या? एकदम से जाने की क्या बात है, बताओ तो। अरे कोई बात नहीं हुई भैया, हमें जाने दो, तुम ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे हमें? अब बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए अब। अरे यार, एकदम से क्या होगा? अरे तो बर्थडे तो हम वहीं बनाते ना अपना, हर साल वो बर्थडे बना के आ जाएंगे। आज है 8-9 तारीख है आज, तो हम कल जा रहे हैं 10 तारीख को, तो हम 16 को आ जाएंगे, ठीक है? अरे यार, अचानक जा रहे हैं, सोनू का आना हो रही है क्या? हाँ सोनू से हमारी बात हो गई। नहीं, गाड़ी वाड़ी जा रही है क्या वो? हाँ वो आ रहा ना, तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम जा रहे, चले जा रहे, क्योंकि फिर वैसे भी हम नहीं जा पाएंगे। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी सूटकेस निकाल लेती हूँ मैं जल्दी से, समीर रास्ते में है। यही हेल्प कर, फिर पक्का यकीन हो जाएगा अगर हम पर हमने सूटकेस निकाल के रखेंगे। आप ये सब अब हमने बाद में रखा।
सो गाइस अब तो सूटकेस निकाल लिया, अब तो पक्का उनको विश्वास हो जाएगा क्योंकि सूटकेस बाहर निकाल लिया इसलिए। सरप्राइज क्या हुआ तुम्हें आज? क्या हुआ बोलो अब? रोने लगे तुम तो यार। क्यों रो रहा है? अरे बैठो ना बैठो। क्या हुआ? नहीं जा रहा है, मजाक कर रहे थे हम। यार इसके बहुत बुरा लगता है यार इसके लिए। बच्चू इसके बिना भैया तुम्हारे बिना नहीं रह पाते हम एक दिन भी। यार अचानक से एकदम से तुम कैसे जा रही हो यार? हम शौक होगा पूरी गाड़ी रास्ते पर रोते रोते आए हम पूरा। क्या बात कर रहा है? सच में? हाँ। झूठ मत बोलो। सच में दिखाओ। अभी तो चलो सच में रो रहे लेकिन गाड़ी पे भी रो तो और क्या रोते रोते तो ऐसे तो हम कभी नहीं जा पाएंगे यार। अभी तो जाना पड़ेगा ना यार हमें घर वाले। तो ये बैग में काहे को निकाल के रखा? तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। हमें रुलाने के लिए। चुप हो जा, नहीं जा रहा ना आप, चुप हो जा। चोल के तुम कहीं नहीं जा सकते है ना? कि ना मैं कहाँ जाऊँगा? पापा बहुत हचाते मुझे। हाँ पापा मुझे बहुत हचाते है ना बच्चू? कि ना मैं पापा के साथ बहुत खेलता हूँ रात में है ना? मैं बहुत खेलता हूँ ना ऐसे। लेकिन फिर भी नानी की है तो जाना पड़ेगा है ना डुगू? नानी की है तो जाना पड़ेगा ना फिर भी। कि ना नहीं भाई ये जो अच्छा हूँ मैं तो पापा हचाते हैं शाम को आने के बाद मैं खुच जाता हूँ कि ना पापा काम पे चाहते हैं तो है ना भी। ओ, मेरी जान। ओ बच्चू अपन घुमा कर लेंगे हैं? ओ बच्चू गाइस इस बार भी सच में मतलब इस बार भी रोगे मुझे ये नहीं पता था तुम इस बार तुम कितने बड़े रुंटू हो। मतलब शादी के वास्ते अभी तक मैं बहुत इतना मैंने किसी को मतलब ना अपने भाई को रोते देखा कभी ना अपने पापा को रोते देखा। इनको इतना ज़रा ज़रा सी बात पे मतलब जब भी मैं पहले तो मैं ऐसा था एग्ज़ाम देने जाती थी ट्वेल्थ चल रहा था मेरा उस टाइम पे या इलेवेंथ क्लास में मेरी शादी हो गई थी तो मैं जाती थी जब जब ये इतना रोते थे ट्रेन से विदा करते टाइम मतलब विदाई टाइप की होती थी मेरी। ऐसा लगता था जैसे लड़की विदा होती ना अपने मायके से जब शादी होके जाती ऐसी विदाई होती थी मेरी। और अभी भी यही चीज़ है इनके अंदर मतलब क्योंकि बहुत दूर है यार झांसी इसलिए। और वहाँ से भी जब मैं आती हूँ तो वहाँ से भी मेरी विदाई होती है मतलब मैं शादी के बाद यार लड़की का अगर दूर हो ससुराल मायका तो यही एक दिक्कत होती है क्योंकि वो यहाँ से जाएगी तो उसको बुरा फील होगा वहाँ से वो आएगी तो उसको बुरा फील होगा। ऐसे तो यार लाइफ में ऐसा रोना होता है मतलब कहाँ रहे मतलब यहाँ रहेंगे तो वहाँ की याद आती है और मतलब ये चीज़ रहती है। क्यों यार हमें फिर भी जाना तो पड़ेगा ना कभी तो जाएंगे ना ऐसा थोड़े नहीं। क्यों तुमने हमें बांध लिया खरीद लिया क्या? तुम रो रो के इमोशनल ब्लैकमेल करोगे हमें और जाने नहीं दोगे कभी है? जाओगे तुम क्यों ब्लैकमेल कर रहे तुम तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा ये जाने दोगे ना बोलो चले जाना कब कब जाने दोगे तो बताओ तो टिकट विकेट होंगे ऐसे थोड़ा ही चलेगा ऐसे कब तक चलेगा? सोचेंगे सोचेंगे इसमें सोचने वाले क्या बात है भाई जब जब ये बड़ा हो जाएगा इसको हमें दे के चले जाएंगे। अभी क्यों नहीं संभाल सकते? अभी संभालो तुम अपने लड़के को हम बैग पैक करके अकेले जा रहे झांसी है काम पे चलोगे तुम्हें खांसी हो रही हमें। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू अल्लाह हाफिज़।